हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल रंजन स्टडी इन अड्डा डॉट कॉम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप लोग पता है, डीआरडीओ एमटीएस का क्लास कंटिन्यू जो चल रहा है, आज हम लोग डीआरडीओ एमटीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर जो देखने वाले हैं दोस्तों, वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 11, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आज देखने वाले हैं। और सभी प्रैक्टिस सेट नंबर का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देखते हैं दोस्तों। और आज जो है जीके जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डील किया जाएगा। ध्यान रहे, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है, ठीक है। जो नया स्टूडेंट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डील किया जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन है, आज ये जो सेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको जीके का मैं क्वेश्चन को सोल्व करा रहा हूं, ठीक है। वैसे मैं ऑलरेडी जो प्रोवाइड कराया था उसमें कंप्लीट 100 क्वेश्चन का आपको प्रोवाइड करा रहा था। इसमें आपको मैं बता दूं कि यहां पे सिर्फ जीके का क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन मैं इस सेशन में आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? दिल्ली पे आक्रमण अटैक करने वाला प्रथम पेशवा की बात हो रहा है दोस्तों, उस पेशवा का नाम क्या था? उस पेशवा का नाम क्या था? बाजीराव पेशवा प्रथम। क्या नाम था दोस्तों? बाजीराव पेशवा प्रथम। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर वैसे जानते होंगे, बहुत बार करवाया भी गया है। उसका नाम था बाजीराव पेशवा प्रथम, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आपको पता होगा कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम थे, और बाजीराव प्रथम पेशवा में सबसे महानतम पेशवा भी थे। और आपको यह भी पता होगा दोस्तों, मस्तानी नाम की नृत्यांगना से इनका प्रेम प्रसंग भी हुआ था। आप बाजीराव मस्तानी फिल्म में भी इसको इस चीज को देखे होंगे। और आपको यह भी पता होगा कि प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। अगर प्रथम पेशवा की बात करें तो बालाजी विश्वनाथ हो गए, और दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम थे, ठीक है। और बाजीराव द्वितीय थे दोस्तों, वो जो थे अंतिम पेशवा थे, जो कि आपको पता होना चाहिए। और पानीपत की जो तृतीय युद्ध हुआ था उसे बालाजी बाजीराव के समय में हुआ था, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तख्ते हाउस यानी मयूर सिंहासन, कौन सा सिंहासन की बात हो रहा है? मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था दोस्तों मोहम्मद शाह। उसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह। तख्ते हाउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। और मोहम्मद शाह के शासन काल में नदीर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था, तख्ते हाउस को छीन लिया था। वो कौन छीना था? अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, नदीर शाह ने। कब? 1739 में। आपको पता होगा कि नदीर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। ईरान का नेपोलियन के नाम से नदीर शाह को जाना जाता था। और नदीर शाह जो था दोस्तों, यही कोहिनूर हीरा भी ले गया था। और आपको यह भी पता होगा कि तख्ते हाउस का निर्माण शाहजहां के समय में बेबादल खां के द्वारा किया गया था। ये तीनों पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्वदेश निर्मित जो तेजस है दोस्तों, वो क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्वदेश निर्मित तेजस जो है, आइए आपको पता होना चाहिए, हल्का लड़ाकू विमान है। कौन सा? हल्का लड़ाकू विमान, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और तेजस का निर्माण HAL कंपनी के द्वारा किया गया है, जो कि पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। तेजस विश्व का सबसे कम वजन वाले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है दोस्तों, जिसका 600 किलोमीटर पर आवर से उड़ान उड़ने वाली ये विमान है। आपको पता होना चाहिए, तेजस हवा से हवा में तथा हवा से धरती पर तथा हवा से समुद्र में मार करने में ये सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली में स्थापित किया गया था? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, लिच्छवी के द्वारा, ठीक है, लिच्छवी, ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? वो कौन सा है दोस्तों? वो है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जो कि 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन, जिसमें दोस्तों प्रस्तावना में सभी संशोधन को जोड़ा गया है, ठीक है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, खरीफ रवि और खरीफ और रवि के फसलों में
के बीच छोटे समय में पैदा की जाने वाली फसल को जायद फसल बोलते हैं। उसको कौन सा फसल? जायद फसल। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे जायद फसल खरीफ और रबी की फसलों के बीच छोटे समय में पैदा की जाने वाली फसल को जायद फसल बोलते हैं। जायद फसल जैसे यहाँ पे मूंग मरुआ ये सब जो है जायद फसल के अंतर्गत आता है। आपको पता होना चाहिए रबी फसल जो है उसमें मुख्य उत्पादन गेहूं है जो पूछा जाता है, और खरीफ में अगर पूछे तो आपका आंसर धान होगा। नगदी फसल पूछे तो चाय, कहवा, रबड़, कॉफी, तंबाकू ये सभी नगदी फसल है। भारत का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या है? चावल है, जो पता होना चाहिए। और विश्व में पूछे तो गेहूं, चावल सबसे ज्यादा चाइना में होता है। यहाँ पे दोस्तों चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चाइना में, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, राष्ट्रीय खेल म्यूजियम किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय खेल म्यूजियम स्थित है दोस्तों वो आपका दिल्ली शहर में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, दिल्ली शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम किस स्थान पर होकर गंगा नदी में बहती है? वो संगम है देवप्रयाग। बहुत बार पूछा गया है देवप्रयाग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम देवप्रयाग पर होकर गंगा नदी में बहती है। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और आपको पता होना चाहिए गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से गंगा नदी जो है निकलती है। दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा यमुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मखदूम कुंड कहाँ स्थित है? मखदूम कुंड कहाँ स्थित है? ये बिहार शरीफ में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मखदूम कुंड बिहार शरीफ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई निम्न में से किस जिले में स्थित है? जीरादेई की बात हो रहा दोस्तों, जीरादेई जो है आपका सिवान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों, जिन्होंने 11 दिसंबर 1946 को इनको बनाया गया था। आपको पता होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार राष्ट्रपति भी रह चुके थे, और ये भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि पटना में बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक पनीश्वर नाथ रेणु है, याद कीजिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। पनीश्वर नाथ रेणु जो है मैला आंचल के लेखक है। इन्होंने मैला आंचल उपन्यास पूर्णिया के क्षेत्र मैरीगंज को आधार बनाकर के जो है लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे छोटा जिला दोस्तों शिवहर है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो कंफ्यूज ना होइएगा, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था दोस्तों। बहुत लोग 26 जनवरी 1950 को लगा देते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर नहीं होगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये अपनाने की बात हो रहा है तो 26 नवंबर 1949 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, पारसी क्रांतिकारी मैडम भीकाजी कामा ने एक साप्ताहिक पत्रिका आरंभ किया था, उस पत्रिका का नाम क्या है? उस पत्रिका का नाम है वंदे मातरम। कौन सा पत्रिका था? वंदे मातरम। विदेश में झंडा फहराने वाले प्रथम भारतीय मैडम भीकाजी कामा थी, जो कि 1907 में स्टुटगार्ड में जो है फैलाई थी। आपको पता होना चाहिए इंडिका नामक पत्रिका दादा भाई नरोजी के द्वारा, यहाँ पे ध्यान से एक पॉइंट जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिए सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो इंडिका जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। लेकिन इंडिका और इंडिया में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इंडिया अगर पूछे इंडिया नामक पत्रिका तो वो दादा भाई नरोजी के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथक का प्रख्यात नर्तकी है? कथक का प्रख्यात बिरजू महाराज है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बिरजू महाराज जो है कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य था दोस्तों। ठीक है, इसमें बिरजू महाराज जो है कथक का है।
ठीक है। एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है हेमा मालिनी से भी, तो आपको पता होना चाहिए हेमा मालिनी, श्रीदेवी, ये सब मोहिनी अट्टम नृत्य का कलाकार है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ब्लीचिंग पाउडर इनमें से किस मिश्रण से बना होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो बना होता है दोस्तों वो होता है चूना और क्लोरीन, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, चूना और क्लोरीन, जो कि आपको पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 का जो होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन है 52 नंबर, इसको ध्यान से देखिए। हवा में किस गैस की मौजूदगी में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। हवा में किस गैस की मौजूदगी में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। इसका मेन कारण है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जो ठीक है हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की मौजूदगी के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S की बात हो रहा है दोस्तों। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का उपयोग सल्फाइड के निर्माण में भी किया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारत के पहले परमाणु विद्युत स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का पहला परमाणु विद्युत स्टेशन जो स्थापित किया गया था तारापुर में, कौन सा जगह, तारापुर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से जो है स्थापित किया गया था दोस्तों, याद कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों वो होता है दर्पण के पीछे एवं फोकस के बीच होता है, और आभासी, सीधा और छोटा होता है। क्या, आभासी, सीधा और छोटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है। मैग्नीशियम का महत्वपूर्ण अयस्क की बात करते हैं तो आपका आंसर होगा कार्नालाइट। कार्नालाइट दोस्तों मैग्नीशियम का महत्वपूर्ण अयस्क है, कौन सा, कार्नोलाइट। कार्नोलाइट मैग्नीशियम का महत्वपूर्ण अयस्क है, याद कर लीजिएगा। और मैग्नीशियम के महत्वपूर्ण अयस्क कार्नालाइट जो है दोस्तों वो, कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे डोलोमाइट से, में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि डोलोमाइट जो है दोस्तों ये भी मैग्नीशियम का ही है, और यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि पोटेशियम का भी कार्नालाइट अयस्क है दोस्तों, ठीक है। कार्नालाइट अयस्क जो है पोटेशियम का भी है, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, कैसीटेराइट, ये सभी मैग्नेशियम का है, और कैसीटेराइट टीन का भी है, यही कंफ्यूज होते हैं, और गैलेना लेड का अयस्क है, ये सभी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है। एंटीबॉडीज का निर्माण लिम्फोसाइट से होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। एंटीबॉडीज का निर्माण लिम्फोसाइट से होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, बी एंड टी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, तंत्रिका कोशिकाएं भ्रूण से के किस स्तर में बनती है। तंत्रिका कोशिकाएं भ्रूण के जो है दोस्तों वो एक्टोडर्म में बनती है, कौन सा, एक्टोडर्म कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, ऑप्शन एक्टोडर्म, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कैंसर का कारक है। कैंसर का कारक क्रोमियम होता है, याद कीजिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कैंसर मनुष्य के शरीर में किसी भी अंग में, त्वचा से लेकर अस्थि तक होती है दोस्तों। कैंसर मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, कार्मिनोमास, कार्सोमास एंड ल्यूकीमिनास या लिम्फोमास, ये सभी कैंसर के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स किसके द्वारा होता है। एड्स दोस्तों जो होता है वो होता है वायरस के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। एड्स का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, याद कर लीजिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स को पता लगाने के लिए व्यक्तियों को कौन सी जांच होता है ये भी पूछा जाता है, वो एलिसा टेस्ट होता है, कौन सा टेस्ट, एलिसा टेस्ट, उसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोल्वेंट ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, रुधिर के थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है। रुधिर को थक्का जमने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। विटामिन के की उपस्थिति में
प्रोथ्रोम्बीन का संश्लेषण यकृत में होता है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन होता है दोस्तों, और समानतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक है, और विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्यूनान है जो पूछा जाता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम होता है दोस्तों, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी मसूड़ों का फूलना होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब कितनी रह गई है? केंद्र में, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बात कर रहा है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल विस्तारित किया गया है, आयोग का विस्तारित कार्यकाल क्या है? 62 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अक्टूबर 2020 तक इनका कार्यकाल है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, रेलवे को वर्ष 2018-19 में प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री से कितनी आय हुआ? रेलवे को 18-19 में प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री से कितनी आय हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 139.20 करोड़। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कवि डॉक्टर आयदान सिंह भाटी को उनके काव्य संग्रह आंख हियरा हरियल सपना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इनको पुरस्कार मिला है बिहारी पुरस्कार, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से किस कंपनी को पहली वैसी कंपनी होने का श्रेय प्राप्त हुआ जिसका बाजार पूंजीकरण हाल ही में 10 लाख करोड़ रुपया पार कर गया है? करेक्ट आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। रिलायंस इंडस्ट्री को वैसी कंपनी होने का श्रेय प्राप्त हुआ है दोस्तों जिसका बाजार पूंजीकरण हाल ही में 10 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर गया है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाता है दोस्तों, आशा करता हूँ इस सेशन से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, तभी जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। ठीक है, और पीडीएफ के लिए studyindia.com वेबसाइट को विजिट कीजिए, और यहाँ से फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।